हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके ब्लॉगर ब्लॉग पर आप कैसे फोटो गैलरी ऐड कर सकते हैं, इमेज गैलरी आपके ब्लॉगर ब्लॉग पर आप कैसे आसानी से ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं ग्राइड व्यू इमेज गैलरी कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है आपके फेसबुक अकाउंट में, लॉग इन करना है फेसबुक पर और अपने अकाउंट में जाके एक एल्बम बनाना है, फोटो एल्बम बनाना है। हम एक फ़ोटो एल्बम बनाएंगे फेसबुक पर जाके। ये मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया है, ये देखिए इसमें इमेजेस हैं कुछ जो मैं उनका एल्बम बनाना चाहता हूँ। ये देखिए इन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट ऑल करके, और डेस्कटॉप से सारे इमेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और एक एल्बम क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इमेजेस अपलोड हो रही है। तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूँ ये वीडियो और इस एल्बम को हम फेसबुक एल्बम को नाम देते हैं राम 123। और इसकी प्राइवेसी देखिए ओनली मी पे आप रखिए, क्योंकि ये किसी को दिखना नहीं चाहिए एल्बम, या फिर आप फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं एल्बम तो इसे फ्रेंड्स पे रहने दीजिए प्राइवेसी। पब्लिक कोई भी एनीवन कोई भी आएगा आपके प्रोफाइल पे वो देख सके, जो आपका फ्रेंड नहीं है नहीं भी है तो वो देख सकता है, इसके लिए पब्लिक पे रखिए। तो मैं यहाँ पे ओनली मी पे रखूँगा क्योंकि मुझे किसी और को ये एल्बम दिखाना नहीं है, सिर्फ मुझे ब्लॉगर पे ये ऐड करना है, इसीलिए मैं ओनली मी पे रखता हूँ ये एल्बम और पोस्ट कर देता हूँ ये एल्बम। एल्बम का नाम है राम 123। ये अब हमारे प्रोफाइल पे पोस्ट हो गया है एल्बम, ये देखिए इसका नाम है राम 123 123 सॉरी। और अब हमें जाना है गूगल पे और गूगल पे जाना है हमें और सर्च करना है क्विक गैलरी। ये देखिए क्विक गैलरी, जैसे ही हमने सर्च किया तो ये वेबसाइट आ गई www.quickgallery.com, इस पर हमें जाना है ये देखिए। और क्रिएट गैलरी पे हमें क्लिक करना है। अभी क्रिएट गैलरी का यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, मेनू दिखाई दे रहा है, बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए साइन इन विद फेसबुक आएगा तो आप इसे ऑन ही रहने दीजिए, आपके फेसबुक को लॉग आउट नहीं मत कीजिए, साइन इन ही रहने दीजिए और इस वेबसाइट पर जाइए और साइन इन विद फेसबुक, आपने लॉग आउट कर दिया होगा तो साइन इन करिए फेसबुक से। और ये देखिए एल्बम डिटेक्ट हो गया है, ये एल्बम मैंने इतने सारे अपलोड करके रखे हैं फेसबुक पर, पब्लिश करके रखे हैं। तो ये राम 123 हमने अभी नया एल्बम क्रिएट किया फेसबुक पर, वो डिटेक्ट हो गया तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए क्रिएट अ फोटो गैलरी इन 3 स्टेप्स और स्टेप 2.1 सिलेक्ट गैलरी। सिलेक्ट गैलरी में आपको ये सेकंड गैलरी दिख रही है, ये आपको सिलेक्ट करनी है, ये देखिए, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने और आप चाहे तो नॉर्मल रख सकते हैं या ह्यूज पे क्लिक कर सकते हैं, ह्यूज पे हमने क्लिक किया। यहाँ से आप
कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, रेड किया हमने, ये देखिए रेड कलर आ गया। ग्रीन किया तो ग्रीन कलर आ गया। मैं वाइट पे रखता हूँ इसे। या फिर ब्लैक पे रखता हूँ, ये देखिए इस तरह से। और एडवांस सेटिंग में देखिए, एडवांस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे बटन दिख रहा है एडवांस का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया। यहाँ से आप वाइड इमेज को, हाइट और वाइड इमेज की बढ़ा सकते हैं, सॉरी इस पूरे गैलरी की वाइड और हाइट बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे 800 कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए वाइड जो थी, लंबाई थी जो गैलरी की, वो बढ़ गई है, और हाइट में 350 रख देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इमेज में हमने क्लिक करना है, और फिट नो स्केल पे देखिए ऐसा नज़र आ रहा है फिल। आपके हिसाब से जो भी है आप रख सकते हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सारे चेंजेस यहाँ से है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्लिक किया, नेक्स्ट बटन पे, और अब ये कोड आपको सेंड किया जाएगा। तो मैं पहले से ही मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो मैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पे यूज़ करूँगा, या फिर मैं नए सिरे से आपको एक नया ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ। और ये गेट कोड पे हमने क्लिक किया, ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे आपको कोड ये सेंड करेगी वेबसाइट, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे से ऐड करना है, और गेट कोड पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपको सेंड कर दिया है। ये देखिए जीमेल इनबॉक्स में ये पहला ही मेल आया है क्विक गैलरी डॉट कॉम की तरफ से। आइए चेक करते हैं। क्विक गैलरी ईमेल को हमने चेक किया, ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड, और हम लॉगिन करेंगे अब यहाँ पर। और पासवर्ड टाइप करते हैं हम, और साइन इन कर देते हैं। ये देखिए हमने साइन इन कर दिया, तो ये गैलरी जो हमने क्रिएट की थी, इसका कोड यहाँ से हम गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करके ले सकते हैं। गेट एम्बेड कोड पे हमने क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ से हमने कॉपी किया ये कोड, और हम अब ब्लॉगर पे जाएंगे, जिस हम इस गैलरी को ब्लॉगर पे ऐड करना है। आइए ब्लॉगर पे चलते हैं। अब मैं ब्लॉगर डैशबोर्ड में हूँ, हमारे ये KIP टेच ब्लॉग है, इस पर मैं ऐड करूँगा ये गैलरी। डैशबोर्ड में मैं हूँ,
और एक पेज क्रिएट करता हूँ मैं पेजेस में जाके। पेजेस पे क्लिक किया मैंने और न्यू पेज पे क्लिक किया उसके बाद, और पेज को नाम देता हूँ राम 1। और यहाँ पे कंपोज और HTML दिखाई दे रहा है, तो आपको HTML पे क्लिक करना है। HTML पे क्लिक किया हमने और वो कोड जो था एम्बेड कोड वो यहाँ से कॉपी करके हमें यहाँ पे HTML में जाके कंपोज पे था, तो हमने HTML पे क्लिक किया और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करके हम पब्लिश पे क्लिक करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए ऐसा एक एरर आएगा, तो इसे डिसमिस पे क्लिक करना है आपको और फिर से पब्लिश कर देना है। अब हम ये पेज व्यू करेंगे। ये देखिए गैलरी नज़र आ रही है इस तरह से। फोटो गैलरी आपके पेज में भी और पोस्ट में भी इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इसे वाइड हाइट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। रिकस्टमाइज पे क्लिक करके आप एडवांस पे क्लिक करेंगे हम। थंबनेल में जाएंगे हम, ये इमेजेस है, इन्हें हम बड़ा करना चाहते हैं आप, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्विक गैलरी पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, सॉरी, ये आपकी गैलरी है, इसे रिकस्टमाइज पे क्लिक कर देना आपको और एडवांस पे क्लिक करना है। ये देखिए एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और थंबनेल में क्लिक करना है आपको थंबनेल, और यहाँ पे 120 वाइड और हाइट 100, यहाँ पे हम 200 कर देते 250, हाइट ये देखिए इमेजेस की हाइट चेंज कर सकते हैं आप थंबनेल में जाके, 150 कर देता हूँ हाइट में, ये देखिए, और सेव कर दीजिए। और फिर से ये कोड कॉपी कीजिए और इस पोस्ट को एडिट करते हैं हम, एडिट में जाते हैं और उसी तरह से HTML में क्लिक करते हैं और ये पहले जो कोड था वो हटा देते हैं, और यहाँ पे वो नया जो हमने एडिट किया था वो कोड एडिट की थी गैलरी हमारी, वाइड फोटो की इमेजेस सॉरी गैलरी की इमेजेस थोड़ी बड़ी की है हमने, तो वो कोड हमने कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, और अपडेट पे क्लिक किया तो ये इरर आ रहा है, तो इसे डिसमिस करना है हमें और पब्लिश कर देना है। और हम अब गैलरी हमारी व्यू करते हैं। ये देखिए इमेजेस कैसी बड़ी हो गई है, इस तरह से गैलरी नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर पर ये फोटो गैलरी इमेज गैलरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्विक गैलरी लिंक दिखाई दे रही है इस गैलरी के नीचे, फोटो गैलरी बाय क्विक गैलरी .com। तो इसे भी कैसे हटाएंगे,
वो मैं बताने वाला हूँ आपको। उस जो कोड हमने ऐड किया था उससे उस पेज में हमने ऐड किया था, तो उसे HTML में जाके वो कोड में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कोड है, तो इसमें यहाँ पे लिखा है देखिए फोटो गैलरी बाय क्विक गैलरी, और ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है फोटो गैलरी बाय क्विक गैलरी। तो इस कोड में से ये वर्ड लाइन हटा दीजिए, सिर्फ ये लाइन ही हटानी है आपको, बाकी कोड वैसे ही रहने दीजिए और अपडेट कर दीजिए। अपडेट पे क्लिक किया हमने, अब जो ये लिंक थी क्विक गैलरी पावर्ड बाय फोटो गैलरी ये हट जाएगी। देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप फोटो गैलरी ऐड कर सकते हैं। कोई जानेगा भी नहीं कि कैसे आपने ये फोटो गैलरी ऐड की, हमने लिंक भी हटा दिए कहा, और इस तरह से मैंने वो लिंक भी हटा दिए यहाँ से नीचे से, और कोई जान भी नहीं सकेगा कि आपने कहाँ से ये फोटो गैलरी इतनी बेहतर बनाई है ब्लॉगर पे। ये देखिए, तो ये था ब्लॉगर पर कैसे फोटो गैलरी ऐड करते हैं, ग्राइड व्यू फोटो गैलरी कैसे ऐड की जाती है ब्लॉगर पेज पे या पोस्ट पे, इसका ये छोटा ये सॉरी ट्यूटोरियल था। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही बेहतर नए नए ट्रिक्स वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।